कौन होगा अगला अमरीकी सदर? चैमा गोइयां और पेश गोइयां जारी हैं। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। 5 नवंबर को होने वाले इंतखाबात से मुतालिक अमरीकी मीडिया का नया सर्वे सामने आ गया। नए सर्वे के मुताबिक कमला हैरिस को ट्रंप पर 3 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल है। इलेक्टोरल कॉलेज के 538 इलेक्टर्स में से कमला हैरिस 277 जबकि डोनाल्ड ट्रंप 261 इलेक्टर्स के हिमायत हासिल कर सकते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं न्यूयॉर्क में मौजूद नुमाइंदा सुनो न्यूज़ जहांगीर लोधी से। जहांगीर, आगाह कीजिएगा कि नए सर्वे के मुताबिक क्या सामने आया। जी, जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका के अंदर हर 4 साल के बाद पहले मंगल को नवंबर के पहले नवंबर को इलेक्शन होते हैं और डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी जो है वो एक दूसरे के मध्य मुकाबले होती है। ये अब नया सर्वे शामिल हुआ है कि 538 इलेक्ट्रोल वोटों में 270 इलेक्ट्रोल वोट जीत के लिए दरकार होते हैं और सर्वे के मुताबिक 277 वोट कमला हैरिस को मिलने की तवक्को है, ट्रंप को 261 इलेक्ट्रोल वोट मिलने की तवक्को है। ये कांग्रेस में नुमाइंदे जो है सदर को अपने अपने इलाके के वोटर की नुमाइंदगी के हिसाब से वोट करते हैं और ट्रंप पर कातला हमले के बाद जिन वोटरों ने अभी तक फैसला नहीं किया, ट्रंप को हमदर्दी के वोट मिलने की तवक्को है। तो ब्लू रियासतों में मिडिल क्लास और इमिग्रेंट वोटों की बड़ी तादाद कमला हैरिस की हमायत करती नजर आती है। ट्रंप को मुस्लिम मुखालिफ और जूश वोटरों की हमायती बनने के सिलसिले में मजहबी वोटर कार्ड खेलते नजर आते हैं। इमिग्रेंट के भी बहुत खिलाफ हैं ट्रंप जो है। तो इस तरीके से कमला हैरिस जो है वो मिडिल क्लास लोगों की नुमाइंदगी करती नजर आती है और इमिग्रेंट के हक में काफी हद तक वो सॉफ्ट इमेज रखती हैं। तो ये जो अब इलेक्शन होने जा रहे हैं नवंबर को, ये बड़े कांटेदार मुतवक्का इलेक्शन होंगे और इसमें अहम रोल जो है वो अमेरिका के अंदर 7 स्विंग स्टेट्स जो हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको उनके अंदर कौन बढ़तरी हासिल करता है। तो इस जो 7 स्टेट्स हैं इनमें पेंसिल्वेनिया जो है वो सरे फहरिस्त है कि जिसमें दोनों पार्टियां सर दौड़ की बाजी लगाने में मसरूफ हैं कि किसको बर्तरी हासिल होती है। तो यहाँ पर एक और मैं आपको इसमें शामिल कर दूं कि जितनी भी ब्लू स्टेट हैं और अमेरिका भर की जो जो स्टेट्स हैं उसमें औरतों की 17% जो जो वोटर हैं वो कमला हैरिस को वोट देने के लिए उन्होंने अपनी राय जो है वो शामिल की है। ठीक है जहांगीर लोधी, आपका बहुत शुक्रिया। कौन होगा अगला अमरीकी सदर? इस हवाले से चैमा गोइयां और पेश गोइयां जारी हैं।